मौसम बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप अपने फेसबुक की स्टोरी में सॉन्ग को कैसे चला पाएंगे, वो भी बिना कोई सॉन्ग को डाउनलोड किए बिना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ब्रजेश और मेरे यूट्यूब चैनल जी कूल टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, चलिए देर न करते हुए मैं चलता हूँ आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर, ताकि मैं आपको अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप समझा सकूँ। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ। मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद आपको सिंपली अपने फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। देन ओपन करने के बाद आपको अपने फेसबुक आईडी को लॉगिन कर लेंगे। तो मैं अपने फेसबुक आईडी को लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस शो होगा, जिसमें आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है ऐड टू स्टोरी। ठीक है, आपको सिंपली ये जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐड टू स्टोरी, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। फ्रेंड्स, क्लिक करने के बाद आप कोई सा भी एक फ़ोटो चूज कर लेंगे जो भी आपको फ़ोटो स्टोरी में अपडेट करना है। ठीक है, तो मैं ये वाला फ़ोटो ले लेता हूँ स्टोरी में ऐड करने के लिए। ठीक है, इतना करने के बाद आपको ऊपर में एक ऑप्शन दिख जाता है स्टिकर का। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाएंगे स्टिकर का, तो आपको सिंपली स्टिकर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करते आपको देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर से चार नंबर वाले ऑप्शन पे आपको एक म्यूजिक का ऑप्शन मिल जाता है। आपको सिंपली म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन जैसे आप म्यूजिक पे क्लिक करेंगे आपको तरह तरह के सॉन्ग यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आपको जो भी सॉन्ग चाहिए आप यहाँ से प्ले करके उसको मतलब प्ले करके सुन के जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सॉन्ग है आप देख सकते हैं यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा सॉन्ग है। ठीक है, मैं इसका भी वॉल्यूम कम कर देता हूँ क्योंकि मैं जो बोलूँगा आपको सही से सुनाई नहीं देगा। आप यहाँ पे इसके अलावा भी यहाँ पे चार ऑप्शन मिलते हैं कि अगर आपको फर्स्ट में क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से लिख के आएगा, जैसे आप स्टेटस बनाते हैं सेम इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो शो होगा। अब यहाँ पे आपको तीन चार तरह का ऑप्शन चाहिए, इससे क्लिक करेंगे आपको तरह तरह की जो आपका एल्बम टाइप का यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगर जो चाहें उसको कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने सॉन्ग को एडजस्ट भी कर सकते हैं इसके माध्यम से कि आपको सॉन्ग कहाँ से चाहिए, इस तरह से करके कि आपको सॉन्ग कहाँ से प्ले करना है। ठीक है, इतना करने के बाद इसमें ये वाला कर लेता हूँ, आपको सिंपली डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप जो यहाँ पे टेक्स्ट लिख के आ रहा है इसको आप छोटा बड़ा या फिर कहीं पर भी इसको मूव, इतना करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली एक ऑप्शन मिल जाता है शेयर टू स्टोरी। तो आपको शेयर टू स्टोरी करेंगे तो आपका जो स्टोरी है ये वाला आपका पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको और कुछ करना तो आप यहाँ पे और भी ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि आप कुछ टाइप करके लिख सकते हैं और आप स्टिकर पर क्लिक करके आपको जो भी जैसे कि मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे इवेंट डोनेट टाइमिंग मतलब जो भी आपको करना है पोल रख सकते हैं स्टिकर लगा सकते हैं, ये चीज़ आपको बहुत सारे फंक्शन मिल जाते हैं। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपनी ओर से एक लाइक कर देना और हमारे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।